भागलपुर नवगछिया में 2 दिनों से लापता महिला का शव मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने रविवार को जमकर बवाल काटा। आक्रोशित लोगों ने मौके पर पहुंची पुलिस को भी खदेड़ दिया और पुलिस जीप समेत कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान पत्रकारों के साथ मारपीट भी की गई। दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग की खबर भी सामने आ रही है। हालांकि नवगछिया SP पूरन कुमार झा ने इससे साफ इनकार किया है। फिलहाल गांव में भारी संख्या में पुलिस बलों को तैनात किया गया है। लोगों को समझाने और शव को उठाने की कोशिश की जा रही है, पर स्थानीय लोग पुलिस की बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। दक्षिणबाड़ी टोला में 3 बाइक, 1 पुलिस गाड़ी एवं पंचायत समिति की 1 गाड़ी को आक्रोशित ग्रामीणों ने आग के हवाले कर दिया। पूरा मामला नवगछिया के रंगरा का है, जहां स्थानीय लोगों ने न्यूज कवर कर रहे प्रिंट मीडिया के 2 पत्रकारों की भी पिटाई कर दी है। घायल पत्रकारों को नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। इधर घटना को लेकर बताया गया कि सब मिलने के बाद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया, पुलिस को खदेड़ा गया, गाड़ियां जलाई गई। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच होगी। घटना के बाद स्थिति पर नियंत्रण पाने नवगछिया SDPO, नवगछिया SP सहित कई पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। बता दें कि शुक्रवार को 32 वर्षीय महिला शोभा देवी दूध बेचने के लिए अपने घर से निकली थी। महिला कार्य ठाकुर के यहाँ दूध पहुँचाने गई और इसके बाद से लापता हो गई, जिसके बाद महिला की गुमशुदगी को लेकर परिजनों ने पुलिस से लिखित शिकायत की थी, पर पुलिस द्वारा मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई और शिकायत को अनदेखा कर दिया गया। रविवार को 2 दिन बाद शोभा देवी की लाश रंगरा गांव से छत विच्छत अवस्था में बरामद हुई, जिसके बाद परिजन भड़क गए और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाने लगे। वहीं घटना को लेकर नवगछिया SP पूरन कुमार झा ने बताया कि छत विच्छत अवस्था में महिला का शव मिलने के बाद जांच कर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। SDO और DSP भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। पुलिस बलों की कई टुकड़ियां रंगरा गांव में भेजकर मामला को शांत करवाया जा रहा है, लेकिन स्थिति अभी भी संवेदनशील बनी हुई है। जब तक पूरा मामला शांत नहीं होता, गांव में पुलिस कैंप करेगी। वहीं फायरिंग को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि फायरिंग पुलिस की ओर से नहीं हुई है और अगर ऐसा हुआ है तो इसकी जांच कराई जाएगी। के अंतर्गत सुबह एक महिला का शव मिला था जी। इस क्रम में पुलिस ने कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया है। पुलिस जब दोबारा वहां पहुंची वादी का बयान लेने के लिए जी, तो वादी एवं जो पक्ष जिन्होंने हमला किया था उन दोनों के बीच में लॉन्ड ऑर्डर इश्यू हुआ था। हालात पर अब काबू पा लिया गया है जी। सर, पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं लोगों ने कि किस तरह से जी, यदि थाने ने कोई लापरवाही की है तो मैंने लोगों के बीच में जाकर के आश्वासन दिया कि यदि थाने की गलती पाई जाती है जैसा उन लोगों ने कहा है, बिल्कुल थाने पर कार्रवाई की जाएगी। सर, पुलिस गाड़ी में भी सर आग लगा दी गई है, इस पर हम लोग अलग से कांड दर्ज करके कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इसमें गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया तो इस पे एक अलग से कांड दर्ज किया जाएगा। पुलिस पब्लिक की भी गाड़ी है सर, पुलिस की सर जी। इस मामले में बस लॉ एंड ऑर्डर शांत हो गया, हम लोग थाने पे जाकर जो आगे कार्यवाही। सर, स्थानीय जनप्रतिनिधि के घर में भी आग लगाने की कोशिश की गई, पंचायत समिति गाड़ी चल रही है सर वहाँ पे। नहीं, पुलिस फायरिंग की कोई सूचना नहीं है, पब्लिक की फायरिंग हुई पुलिस। हमारी CCTV भी सर विजिबल है, लोगों के द्वारा ग्रामीणों के द्वारा कहा गया है, लेकिन अभी तक इसकी कोई सूचना नहीं है। गांव में CCTV लगा हुआ है, उसकी फुटेज की जांच की जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है, SDO साहब DSP साहब वहां पर है, मैं भी लोगों से जाकर के अभी मिला हूं। हम लोग लाश को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है पुलिस SP साहब जो है बहुत लेट से आए और सही से पुलिस लेट से आई इसलिए उग्र हो गई। सर, थाना की गाड़ी भी लेट से पहुंची है, लाश लापता था। एक एक सवाल सर, सर थाने का बल समय पहुंचा था, परंतु ग्रामीणों के द्वारा उन लोगों को खदेड़ा गया जैसा आप ही लोगों ने बताया। उसके बाद अन्य थाना मैं DSP साहब हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, SDO साहब भी यहाँ मौजूद हैं। आगे क्या कुछ किया जाएगा सर? आगे इसमें हम लोग जो भी कार्यवाही है, जैसे कि एक जो डेड बॉडी मिली है उसके संबंध में कार्यवाही करेंगे, जो यहाँ पर आगजनी की एवं हमला किया गया है उस पर कार्यवाही करेंगे। सभी कार्यवाही की रिपोर्ट आपको शाम तक दे दी जाएगी। पुलिस कैंप करेगी गांव में जी? गांव में हम लोग कैंप करेंगे, अभी जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते हम लोग ये कैंपिंग करेंगे। पूरी स्थिति पे हम लोग नजर बनाए रखेंगे। बॉडी उठा भागलपुर कहलगांव के अमडंडा में सांसद निधि से 14,40,000 रुपए की लागत से मध्य विद्यालय चांदपुर के प्रांगण में नाट्य कला मंच का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन रविवार को सांसद अजय कुमार मंडल, ताड़र महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, संजीव कुमार एवं क्षमा प्रवीण ने सामूहिक रूप से फीता काट कर किया। नाट्य कला मंच के उद्घाटन के बाद गांव के बच्चों ने रामायण पर आधारित नाटक की प्रस्तुति दी, जहां नाटक को देखने के लिए भारी तादाद में ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुटी रही। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक एवं ग्रामीणों ने मंच पर उपस्थित सभी मुख्य अतिथियों को अंगवस्त्र एवं बुके देकर सम्मानित किया। इस दौरान सांसद अजय कुमार मंडल ने कहा कि वर्षों से यहां नाटक और कला के क्षेत्र से जुड़े युवाओं एवं आम ग्रामीणों द्वारा नाट्य कला मंच की निर्माण की मांग की जा रही थी,
जो अब पूरा हो चुका है। नाट्यकला मंच बनाए जाने से पूरे समाज को छोटे बड़े विभिन्न कार्यक्रमों में सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को दूर करना ही उनका मुख्य कर्तव्य है और सभी जनप्रतिनिधियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। मौके पर विद्यालय के शिक्षक हीरालाल मंडल समेत काफी संख्या में बच्चे एवं ग्रामीण मौजूद रहे। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड पटना एवं बिहार सरकार की ओर से भागलपुर के सेंटिस कंपाउंड में खादी मेला सौद्यमी बाजार का आयोजन किया गया, जिसका समापन रविवार को हो गया। बता दें कि 13 दिवसीय खादी मेला सौद्यमी बाजार में 1 करोड़ से अधिक का व्यवसाय हुआ, जबकि इस दौरान लगाए गए 120 स्टॉल और खुले मैदान में लगे फर्नीचर, कालीन, मैट समेत सभी ओपन स्टॉल पर लोगों की भीड़ जुटी रही और लोगों ने अपने पसंद एवं जरूरतों के मुताबिक खादी एवं हैंडलूम समेत अन्य के सामानों की खरीदारी की। मेला में खासकर बिहार और देश के विभिन्न जगहों से आए उद्यमियों द्वारा खादी वस्त्र, आचार, पापड़, श्रृंगार सामग्री, गर्म कपड़े समेत मनोरंजन से जुड़े सामानों का स्टॉल लगाया गया था, जिसकी लोगों ने जमकर खरीदारी की। इसके अलावा मेला में लजीज व्यंजनों का लुफ्त लेने भी भारी संख्या में लोग पहुंचे। वहीं मेला के अंतिम दिन रविवार को खादी बोर्ड पटना और जिला खादी विभाग की ओर से खादी मेला में स्टॉल लगाने वाले तमाम उद्यमी और व्यवसायियों को प्रमाण पत्र देकर उनकी सराहना की गई। मौके पर कुलगीतकार अमोद कुमार मिश्र, जिला खादी पदाधिकारी बैद्यनाथ सिंह, खादी मेला प्रभारी अभय सिंह, खादी बोर्ड पटना के शिवम कुमार सिन्हा, राजीव शर्मा और आशीष कुमार समेत कई लोगों ने स्टॉल धारकों और उद्यमियों का आभार जताया। बांका थोरैया के जयपुर पंचायत अंतर्गत कचहरी पिपरा गांव में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह यज्ञ को लेकर रविवार को कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा में शामिल 501 महिलाओं ने कथास्थल से कलश लेकर राधे नाम की जय घोष करते हुए भगवानपुर, दौरैया, घसिया एवं गंगदौरी गांव होते हुए वापिस कथास्थल पर पहुंची। इस दौरान ग्रामीण पताका लिए घोड़ा, बैंडबाजा एवं डीजे के साथ भक्ति में लीन श्री कृष्ण का उद्घोष करते हुए चल रहे थे। बता दें कि 7 दिनों तक चलने वाले इस अमृत रूपी कथा में वृंदावन धाम से आए कथावाचक मधुसूदनाचार्य महाराज श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन करेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जीवित रखने के लिए धार्मिक अनुष्ठान जरूरी है, इससे समाज में शांति, सद्भाव और भाईचारा बना रहता है। श्रीमद् भागवत की कथा मोक्षदायिनी है। ऋषि के श्राप से मुक्त होने के लिए राजा परीक्षित ने भी 7 दिनों तक यह कथा सुनी थी, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। वहीं भगवान कथा के प्रथम दिन मधुसूदनाचार्य महाराज ने धुंधकारी नामक प्रेत की कथा सुनाते हुए कहा कि प्रेत की योनि में भटक रहे धुंधकारी ने भी मुक्ति के लिए 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया था। शोभा यात्रा में बच्चे, बूढ़े, युवक, युवती समेत सैकड़ों ग्रामीणों ने अपना योगदान दिया।